सबसे बड़ा दुश्मन तू मेरा है। देख रहे हो क्या बच्चे में अंदा बता रहा इधर देखो राहुल मुफे इधर खड़ा है और विक्रम मुफे इधर खड़ा है घर का जाता बता दे हाँ कहाँ है ये मैं कहानी बता रहा है। ये जब कभी दोनों स्कूल से आते थे तो सबसे पहले हमारे कदम चूम करके आशीर्वाद मांगते थे, लेकिन आज ये नाराज क्यों करे हैं? मैं पूछता हूँ आगे बात क्या है बेटा राहुल, कॉलेज से आए हो, नाराज हो या तो पूछो क्या क्या हुआ रात अरे विक्रम आखिर बात क्या क्यों नाराज खड़े हो क्यों नहीं बात करते लगता है कि आपस में झगड़ा कर रहा जो जानकारी करना हमें करने दो बीच मत बोलो ये घर का मामला है मुनीम का बच्चा कहीं का राहुल आखिर तू ही बता रास्ते में क्या हुआ है कहीं विक्रम से झगड़ा हुआ है क्यों नहीं बोलता नहीं बोलता आप अब हमसे कहो नहीं बोला नबल बोलो अब आप पूछो बाप से आप पूछो बाप से आप पूछो बाप से आप पूछो हम तुम्हारे पूछे तुम्हारे बाप बेटा नजर में नजर डाल करके बात करो मैं तेरा बाप हूं आखिर रास्ते भी कहीं झगड़ा किया गया विक्रम से जो बात पूछना है हमारे बड़े भैया को वो तो बोल ही नहीं रहा कुछ नहीं मालूम है अच्छा तो तू उठाओ जिन्हें बताओ कहाँ भवा है अब कोई शिकायत नहीं विक्रम नहीं बताएगा राहुल तू बता जो रास्ते में होगी बात है उन्हें पूरी बता दे चाचा मुझसे क्या पूछते हो हमारा बड़ा भैया से पूछ लेना कि क्या हुआ है कितनी बार पूछो वो तो बोलता ही नहीं वो नहीं बोलेगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ चाचा आप तो जानते हैं कि तुम्हारा नाम और तुम्हारे साहब इसको यह सुनते हैं वो तुम्हारी इज्जत करते हैं ये तो सच है लेकिन सर जब आप किसी के साथ में अन्याय करोगे तो क्या कोई इंसान आपकी इज्जत करेगा आज भैया ने जो किया है मुझे कहने में बहुत शर्म महसूस होती है कि मैं कैसे कहूँ इसलिए खुद उनसे पूछ लेने का हुआ है तो बार बार कह रहा है विक्रम से पूछो विक्रम बोल नहीं रहा है क्या काम का एक गरीब भाई का लड़की आपका ठेल लग रहा है ना क्या कहा गरीब भाई की लड़की से ठेल खाली करता पा ए रो
पानी हो आई रखो करना जो आपस में झगड़ा करना ठीक है जाओ।